Dear students, let's we learn comparing decimals. How to comparing the decimals? Suppose a boy has 0.5 kg apples and another boy has 0.6 kg apples. So how to compare which is the more than, which has more than weight? Okay. So there are two number in this screen. On this screen, let's we discuss. 0.1, why greater than is more than 0.07, correct? Let's we discuss. So when you compare the decimal number, can you tell which is greater, 0.07 or 0.1? Okay, take two pieces of square paper of same size. There are two pieces. Divide them into 100 equal parts. Yes, 10 horizontal and 10 vertical. Sabhi ke 10 into 10 karenge to 100 ho jayega. For 0.7, we have set 7 parts out of 100. ये देखिए हमने 7 parts यहाँ पर set कर दिए हैं. ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7. It means it is हमने 7 parts complete कर दिए. So it is 0.07 means 7 by 100. क्योंकि out of 100 में से 7 sets किए ना, तो that will be 0.07 decimal form में, fraction form में होगा 7 upon 100. But now फॉर 0.1 शेड 10 पार्ट्स. देखिए मैंने पूरा ये आपकी रो कॉलम को पूरा सेट कर दिया है. सो इन द डेसिमल फॉर्म इट विल बी 0.1, बट इन द फ्रैक्शन फॉर्म इट विल बी 1/10. व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूमरेटर एंड इट विल बी 10/100. अब कंपेयर करते हैं, अपॉन 100 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना. सो विच इज ग्रेटर, 7 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है? ये तो 10 ग्रेटर है. और 10 का डेसिमल फॉर्म कौन है? 0.1. 7 का डेसिमल फॉर्म कौन है? 0.07. अरे तो बाबा 0.01 इज ग्रेटर देन 0.07, करेक्ट? कंपेयर करना सीखा कि नहीं? लेट्स नाउ कंपेयर द नंबर 32.55 एंड 32.5. इन दिस केस वी फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट. होल पार्ट 32, देयर इज 32, सेम, नो प्रॉब्लम. वी सी दैट द होल पार्ट फॉर बोथ नंबर इज 32 एंड हेंस इक्वल. ओके, वी हाउएवर नो दैट द टू नंबर्स आर नॉट इक्वल. व्हिच वन? 0.55 एंड 0.5. सो वी नाउ कंपेयर द 10th पार्ट. वेरी गुड, 10th पार्ट देखा हमने, तो इसका भी 5 है और इसका भी 5 है. सो ये अगर इक्वल हो गया, देन वी कंपेयर द 100th पार्ट. इसका 100th पार्ट क्या है? 5 है, बट इसका 100th पार्ट कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है तो कौन है? 0 है. ओके ओके, सो नाउ वी फाइंड 32.55 मींस 32 प्लस 5/10 प्लस 5/100 प्लेस वैल्यू के हिसाब से. बट द 32.5 मींस 32 प्लस 5/10, बट द 100th part is not there, so it will be 0/100. So finally we can say, यहाँ तक तो दोनों same थे ना, but इसका ये part इससे ज़्यादा हो गया, so 32.55 is greater than the 32.5, as the 100th part of the 32.55 is more. So कैसे compare करना है decimal number को 10th part से decimal के बाद, फिर 100th part से compare करना है, 1000th भी अगर दिया तो उससे भी करना है. ऐसे ही सीखते रहिए, भी और ढेर सारे वीडियो लाने वाला हूँ. बस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.